के बीच तुर्की के अंकारा में एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में अमेरिका से आए CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर और रूस के खुफिया विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। खबर है कि इस मीटिंग का मुद्दा था परमाणु युद्ध, और इस बैठक के बाद अमेरिका के पुतिन के एक्शन पर नजर है। वॉशिंगटन से एक स्पेशल प्लेन उड़ता है। हवा में 8,700 किलोमीटर का सफर पूरा करके तुर्की के अंकारा में लैंड होता है। रूस की राजधानी मॉस्को से भी एक खास विमान हवा में उड़ा और 3,000 किलोमीटर की दूरी नापकर अंकारा में उतरा। वॉशिंगटन से आए विमान में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम वॉन सवार थे। वहीं मॉस्को से आए स्पेशल विमान में रूस के खुफिया विभाग के अधिकारी थे। तुर्की के अंकारा में एक सुपर स्पेशल और सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग का मुद्दा था परमाणु युद्ध। यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। इसके लिए अमेरिका और रूस के सीक्रेट मीटिंग में किसकी किसकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मीटिंग का क्या नतीजा निकला, इसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के फैसले में न्यूक्लियर वॉर का कोड छिपा है। एटम बम का वो कोड भी हम डीकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया के बड़े न्यूक्लियर पावर परमाणु युद्ध को लेकर क्या राय रखते हैं, इसे जान लीजिए। एटम बम के इस्तेमाल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की ना है। परमाणु बम के प्रयोग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी ना है। ब्रिटेन के सुनक मानते हैं कि न्यूक्लियर वार छेड़ना दुनिया में मना है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस में अभी न्यूक्लियर वार पर पीली बत्ती जली है। पीली बत्ती का मतलब आप जानते ही हैं, पीली बत्ती यानी इंतजार का वक्त। क्रेमलिन में जल रही पीली बत्ती कब हरी बत्ती में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ग्रीन लाइट जलते ही रूस का परमाणु बम यूक्रेन पर फूट सकता है।